हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक इम्पॉर्टेंट सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे, फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानेंगे, जिसको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है पोस्ट ऑफिस में। ध्यान देना, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के हर एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना अपना मैच्योरिटी अमाउंट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप डिसाइड कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ई लर्निंग मनी। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, जल्दी से पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बेसिक फीचर जान लेते हैं। दोस्तों, वन टाइम इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ता है। 1 साल से लेकर 3 साल तक का प्लान है, उसके अलावा 5 साल का प्लान है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 4 साल का कोई भी प्लान नहीं है। पोस्ट ऑफिस FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड एनुअल इनकम मिलता है, और ये जो स्कीम है आपको हर पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। अब हम जल्दी से जानते हैं पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं, ध्यान देना, NRI पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली स्टेबल नहीं होते, उनके नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है गार्जियन के द्वारा, ध्यान देना। उसके अलावा माइनर जिनकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो माइनर खुद ही ऑपरेट भी कर सकता है। पोस्ट ऑफिस FD में आप सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं, और चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं रिलेटिव या अपने किसी मित्र के साथ मिलकर। ध्यान दे रहा है, ज्वाइंट अकाउंट में 3 से ज्यादा एडल्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। आप सिंगल अकाउंट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट में। मान लीजिए आप सिंगल हैं, शादी हो जाती तो आप उस अकाउंट को ज्वाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसको आप चाहें तो सिंगल अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, आप मल्टीपल FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई रोक नहीं है। पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट में आपको नॉमिनेशन का फैसिलिटी भी मिल जाता है। आप अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपने अकाउंट को प्लेस या ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये। पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खाता है और उसके साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग है, तब आप ऑनलाइन FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। इन दोनों से रिलेटेड वीडियो हम जल्दी अपने नए चैनल पर बनाने वाले हैं, तो आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, अगर आप FD अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ता है। मिनिमम 1000 रुपीज का आपको डिपॉजिट करना ही करना होता है, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप 5 साल का FD अकाउंट चुनते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है सेक्शन 80C के तहत। पोस्ट ऑफिस FD में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिलना है वो 100% आपको मिलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका श्योरिटी लेता है। दोस्तों, ये अकाउंट जब हम ओपन कर लेते हैं और किसी भी समय अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम अपना अकाउंट बंद करके अपना पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, निकाल सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका 6 महीना कंप्लीट होने के बाद आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। ध्यान देना है, इंटरेस्ट का लॉस होगा आपको अगर प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो। 6 महीने से लेकर अगर 12 महीने तक के बीच में आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो सेविंग बैंक खाते का जो इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से मिलेगा। 1 साल के बाद अगर आप क्लोजर करते हैं तब आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी आपका कंप्लीटेड ईयर होगा उसका जो भी टोटल इंटरेस्ट होगा, उसमें से 2% माइनस हो जाएगा। और इनकेस मान लीजिए कंप्लीटेड ईयर के अलावा कुछ महीने भी हैं तो उन महीनों में आपको सेविंग बैंक खाते का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। अब यहाँ पर हमने बात की, अगर हमें पैसों की ज़रूरत हो, खाता बंद करना है तो क्या हो सकता है, बट अगर हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैच्योरिटी भी कंप्लीट हो गया है तो क्या हम अपने FD अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जरूर ले सकते हैं। जैसे मैच्योरिटी खत्म होता है उसके बाद हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने FD अकाउंट को। अब एक्सटेंशन कब ले सकते हैं और कितने समय के लिए ले सकते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी साल का FD आपने कराया होगा पहले, वही आप फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। अब ध्यान देना, 1 साल का FD अगर हो तो मैच्योरिटी के बाद आपको 6 महीने के अंदर एक्सटेंशन करना होता है। 6 महीने के बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका FD प्लान 2 या 3 साल का है तो आपको मैच्योरिटी के बाद 12 महीने का समय मिलता है, उस बीच में आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। 5 साल का FD अगर आप चूज करते हैं
तो आपको 18 महीने का समय मिलता है मैच्योरिटी के बाद आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो मैच्योरिटी के समय जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट आप अकाउंट ओपन करते समय भी दे सकते हैं, अदरवाइज मैच्योरिटी के बाद भी दे सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी कर पाते तो भी चिंता की कोई बात नहीं, आप नया एफडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट रिटर्न की, कितना हमें रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अलग अलग साल का एफडी कर सकते हैं, अगर एक से लेकर तीन साल का एफडी करते हैं तो इंटरेस्ट रेट है 5.50। 1 अप्रैल 2020 से यही इंटरेस्ट रेट चला आ रहा है। फिलहाल हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के चौथे क्वार्टर में है, मतलब जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 के बीच का भी यही इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि क्या इस रेट पर एक से लेकर तीन साल के बीच में एफडी किया जा सकता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम है। फिर भी आपको अगर एफडी करना ही है तो आप एक साल का ज्यादा से ज्यादा एफडी करा लीजिए, दो और तीन साल का एफडी आपको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेस्टेज है। सिचुएशन फ्यूचर में इंप्रूव होने वाला है, वैक्सीन आ गया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो आप एक साल जब मैच्योर हो जाए आपका एफडी तो आप नए एफडी में कन्वर्ट करा लीजिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पांच साल के एफडी की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है 6.7%, रीजनेबल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेकार भी नहीं है। अगर इसको कंपेयर करें बड़ी बैंकों से जैसे कि SBI, HDFC, ICICI बैंक, तो यहाँ पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये भी कम ही लगता है फिलहाल अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसमें या नहीं करना है। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में तो हमने जान लिया, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट 25,000 से लेकर 10 लाख तक का डिपॉजिट अमाउंट है, इस पर हम 6.7% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, 5 साल के लिए एफडी किया है ऐसा मान के चलते हैं। यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट रेट का आपको कॉलम दिखाई देता है, उसके बाद आपको टोटल इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर अमाउंट दिखाई देता है, और यहाँ पर आखिरी में आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिखाई देता है। जैसे कि अगर 10 लाख का आप एफडी कराते हैं 5 साल के लिए तो आपको 68,703 रुपया ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, 343,515 रुपया आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 5 साल में, और टोटल वैल्यू हो जाता है 13,43,515 रुपया। अब दोस्तों आप कहेंगे ये तो फिक्स्ड अमाउंट है, अगर आपको खुद अपने अमाउंट का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट निकालना हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है, तो दोस्तों मैं आपको उसका भी रास्ता एक बता देता हूं जल्दी से। अब स्क्रीन पर आपको एफडी कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, ये हमारे नए यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग मनी से जुड़ा हुआ वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डिपॉजिट अमाउंट इंटर करना है, जो भी अमाउंट आप इंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको इंटर करना है, डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंटरेस्ट रेट अभी पहले वाले स्लाइड में बताया हुआ था। उसके बाद नीचे आपको टेन्योर, मतलब कितने समय के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं वो इंटर करना है, और जैसे इंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं नीचे आपको ईयरली इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप किसी भी अमाउंट का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब ये भी बता देता हूँ कि इस कैलकुलेटर को आपको एक्सेस कैसे करना है। देखिए, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ई लर्निंग मनी, तो आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे, आपको जाना है स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपको एक आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8.2 पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करना है, और इस तरीके से कैलकुलेटर आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने जान लिया, कैलकुलेशन के बारे में भी हमने जान लिया, अब जल्दी से जानते हैं इंटरेस्ट पे आउट के बारे में, इंटरेस्ट हमें मिलता कब है। ध्यान देना, इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलता है लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंड होता है क्वार्टरली, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है हर तीन महीने में, उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो जो रिटर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ध्यान देना है, अगर आपका इंटरेस्ट पेबल है, मतलब साल खत्म होने के बाद इंटरेस्ट पेबल हो जाता है आपको, वो मिलने वाला होता है, बट आप अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम टैक्सेबिलिटी की। दोस्तों डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हमें मिल जाता है इसका बेनिफिट, अगर हम 5 साल का एफडी चूज करते हैं तो। इससे क्या होता है, हमारा टैक्स लायबिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है, 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 80C
के तहत। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में एक और खास बात है कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होता। अब TDS डिडक्ट नहीं होता इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है, उसको आपको ITR फॉर्म में दिखाना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जिसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, सेक्शन 194N। अगर हम कैश विड्रॉवल करते हैं अपने पोस्ट ऑफिस से या बैंक से तब ये सेक्शन भी एप्लीकेबल होता है, TDS डिडक्ट हो सकता है। ध्यान देना, अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा है और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कंप्लीट होने के बाद आप विड्रॉल कर रहे हैं तो ये सेक्शन अप्लाई हो सकता है। अगर आपका विड्रॉल अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा नहीं है पूरे साल भर में फाइनेंशियल ईयर में तब तो TDS डिडक्ट नहीं होता है, अदरवाइज TDS डिडक्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप ITR फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, आपका टोटल विड्रॉवल कितना है, उस हिसाब से 2% या 5% तक का आपको TDS डिडक्ट किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा या बैंकों के द्वारा, जहां पर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस सेक्शन के बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जहां पर आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में जाना, इंटरेस्ट रेट के बारे में जाना, उसके अलावा इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, मैच्योरिटी कितना मिल सकता है उसका भी मैंने आपको यहाँ पर डेमो दिखाया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नया चैनल हमारा जो e-learning money है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।